नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अभिषेक बच्चन की अपकमिंग फिल्म द स्वीप के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अभिषेक बच्चन की फिल्म द स्वीप जिसको दिनेश विजन प्रोड्यूस कर रहे हैं मेडोक फिल्म मेरे के तहत। दोस्तों दिनेश विजन एक जाने माने प्रोड्यूसर है जो इससे पहले स्त्री, बदलापुर, हिंदी मीडियम जैसी फिल्म प्रोड्यूस कर चुके हैं और दोस्तों उनकी सफलता का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। साथ ही दोस्तों आपको भी बता दूं कि इस फिल्म को न्यूकमर तुषार जालोटा डायरेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें अभिषेक बच्चन, यामी गौतम तथा निमृत कौर प्रमुख भूमिकाओं में नजर आने वाली है। दोस्तों ये एक सोशल ड्रामा है, सोशल कॉमेडी ड्रामा है, मतलब इसमें अभिषेक बच्चन एक पॉलिटिशियन बने हैं जिनका नाम गंगाराम चौधरी है और दोस्तों वो एक भ्रष्टाचारी नेता के रोल के अंदर है और आपको हंसाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों साथ ही दोस्तों किस प्रकार से उनकी जीवन में जो ट्विस्ट आते हैं और वो जेल पहुंच जाते हैं और जेल से वो दसवीं की परीक्षा देते हैं इस बारे में बताया गया। साथ ही दोस्तों ये फिल्म एक सोशल मैसेज भी देती है, मतलब साथ में इस फिल्म में आपको कॉमेडी के साथ साथ एक सोशल मैसेज भी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, फिल्म के बारे में काफी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है और अभिषेक बच्चन का इसमें जो लुक है वो भी यूनिक है और अभिषेक बच्चन आपको इस फिल्म में एक जबरदस्त अंदाज में नजर आने वाले है। तो दोस्तों फिल्म काफी पहले पूरी हो चुकी है, फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी कंप्लीट हो चुका है और दर्शक इसके रिलीज का इंतजार कर रहे हैं कि दसवीं कब रिलीज होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि फिल्म के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि मेकर्स इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज करना चाहते थे। मेकर्स का ये प्रयास था कि फिल्म को थिएटर्स में रिलीज की जाए क्योंकि ये एक बड़े बजट की फिल्म है। बॉब विश्वास तथा बिगुल की तुलना में फिल्म का बजट ज्यादा है, फिल्म का कैनवास बड़ा है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ओमिक्रॉन के कारण कई दिनों तक, कई महीनों तक सिनेमा हॉल बंद रहे थे और जब जैसे ही अब सिनेमा हॉल धीरे धीरे खुलना शुरू हुए हैं, कई जगह 50% ऑक्यूपेंसी से खुले हुए हैं और कई जगह भी खुल रहे हैं। तो दोस्तों इस दौरान जो बड़ी बड़ी फिल्में थी उनकी रिलीज डेट आगे खिसक गई थी, स्थगित हो गई थी। तो दोस्तों अब जो इस साल के लिए 2022 के लिए थिएटर्स में फिल्मों की भरमार है, मतलब फिल्मों के लिए लाइन लगी हुई है, किसी भी बड़ी बड़ी फिल्म को भी 7 दिन से ज्यादा का समय नहीं मिल रहा है, मतलब सोलो रिलीज का समय नहीं मिल रहा है बड़ी फिल्म को। अगर मिल भी रहा है तो उनके पास कलेक्शन करने के लिए मात्र 7 दिन का टाइम ही बच रहा है। तो लगातार फिल्में एक के बाद एक फिल्में रिलीज होगी और बड़े बड़े बजट की फिल्में रिलीज होगी जिनका बजट 150 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ तक होगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में दसवीं को थिएटर्स में रिलीज करना शायद मेकर्स को मुनासिब नहीं लग रहा है। मेकर्स ये चाहते हैं कि फिल्म को OTT पर रिलीज कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि थिएटर्स के लिए अभी पूरी बुकिंग हुई हुई है, पूरे साल भर के लिए आप कह सकते हैं कि थिएटर्स बुक है, सभी बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है। तो दोस्तों दसवीं के लिए उतने थिएटर्स, उतने स्क्रीन नहीं मिल पाएंगे और नई दसवीं को सोलो रिलीज डेट मिल पाएगी। और दोस्तों मेकर्स ये नहीं चाहते कि फिल्म को ज्यादा दिन तक पोस्टपोन रखा जाए, जो फिल्म की रिलीज डेट है वो ज्यादा दिन तक पोस्टपोन रखी जाए। तो दोस्तों अब आज की लेटेस्ट न्यूज ये है कि इस फिल्म को हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स पर मतलब डायरेक्ट OTT पर रिलीज किया जाएगा। मतलब दोस्तों हॉटस्टार, डिज्नी प्लस तथा नेटफ्लिक्स में ये होड़ लगी हुई है कि कौन सा पहले फिल्म के डिजिटल राइट्स खरीदता है। मतलब मेकर से बातचीत जारी है। दोस्तों जो ज्यादा पैसे देगा प्रोड्यूसर्स को, जो ज्यादा पैसे देगा उसी को फिल्म के राइट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसकी खबर जल्दी आने वाली है, जैसे ही इसकी कंफर्म होता है कि हॉटस्टार ने फिल्म को खरीदा है या नेटफ्लिक्स ने फिल्म को खरीदा है, मैं आपको तुरंत अपने चैनल पे जानकारी दूंगा। साथ ही दोस्तों फिल्म के, जैसे ही फिल्म के राइट्स की डील हो जाएगी तो फिल्म की रिलीज डेट भी जारी कर दी जाएगी, जो मैं आपको तुरंत ही चैनल पे बता दूंगा। तो दोस्तों वैसे अभिषेक बच्चन के प्रशंसकों के लिए कुछ खबरें है कि हमें जल्दी, हो सकता है अगले महीने तक, हो सकता है मार्च या अप्रैल तक हमें फिल्म दसवीं देखने को मिल जाए, चाहे वो थिएटर्स में हो या OTT पर हो। लेकिन दोस्तों 100% संभव नहीं है कि ये फिल्म OTT पर रिलीज होगी और उसमें भी हॉटस्टार, डिज्नी प्लस या नेटफ्लिक्स पर फिल्म की रिलीज होने की संभावना सबसे ज्यादा है। हालांकि दोस्तों अभिषेक बच्चन के प्रशंसक ये चाहते थे कि ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज की जाए, लेकिन दोस्तों मैंने जैसा कि आपको कारण बताया कि थिएटर्स में बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों की लाइनें लगी हुई है तो शायद दसवीं के लिए इतना इंतजार करना मुमकिन नहीं है, तो इसलिए फिल्म के मेकर्स ने फिल्म को OTT पर रिलीज करने का निर्णय किया है। तो दोस्तों आपको ये सब जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही दोस्तों आप दसवीं फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है और मेकर्स का ये निर्णय कि वो फिल्म को OTT पर रिलीज करेंगे, इसको आप कहां तक उचित मानते हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जरूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है राजेश कुमार स्पीक्स, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। टेक केयर, धन्यवाद।